डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण के आरोप में दोषी करार दिए जाने के बाद अब ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि आखिरकार वो कौन होगा जो डेरे की संपत्ति को संभालेगा, आखिर कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। इससे पहले कि हम आपको डेरे के अगले उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी दें, आपको बता देना चाहते हैं कि डेरे के पास सिरसा में 700 एकड़ भूमि के अलावा उसकी कई संपत्ति हैं। इतने ही नहीं, गैस स्टेशन, मार्केट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ दुनिया भर में डेरे के लगभग 250 आश्रम हैं। गौर करने वाली बात यह है कि डेरे के पैसे कई बैंकों में जमा है, जिसका पता पंजाब और हरियाणा की सरकारें लगा रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अब डेरे की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन साध्वी विपश्यना इंसा का। वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत का। लेकिन अभी तक दोनों में से किसको गद्दी दी जाएगी उसके बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि आज राम रहीम को यौन शोषण के आरोप में सजा सुनाई जा रही है। SK9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।